एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, तीन एलिमेंट्स होते हैं बच्चों जिनकी हेल्प से हम लोग अर्थ की किसी भी लोकेशन पे हैं, उस लोकेशन से रिलेटेड जो मैग्नेटिज्म की जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम लोग सब लोग सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये जो तीन एलिमेंट्स होते हैं इनमें जो पहला एलिमेंट है वो है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, इसको हम लोग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन भी कहते हैं। और जो दूसरा इसका एलिमेंट होता है वो होता है एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। और उसके बाद में तीसरा एलिमेंट होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इन तीन चीजें अगर हमारे पास में है तो हम अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड सारी बातें, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी एक लोकेशन के लिए। इन सब के बारे में एक एक करके पता करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं आप लोगों के लिए एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। पहला एलिमेंट है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कह दो चाहे इसको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन भी कह सकते हो। ये क्या होता है? सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं आपको। इसकी डेफिनेशन होती है कि इट इज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस। किसी भी लोकेशन पे ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल होता है उसे हम लोग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए इन दोनों वर्ड्स को समझना जरूरी है कि ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। तो देखिए, ज्योग्राफिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन, इसे हम GM से रिप्रेजेंट किया करेंगे। ज्योग्राफिक मेरिडियन होता है, इट इज द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ एट अ प्लेस। किसी भी एक जगह पर ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ से पास होने वाला जो वर्टिकल प्लेन होता है उसे हम लोग ज्योग्राफिक मेरिडियन कहते हैं। अब ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ कैसे पता करते हैं, ये मैंने आपको इसे ठीक पहले वाले वीडियो के अंदर समझाया था कि जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं और मेरे सामने इस तरफ ट्रू नॉर्थ है और इस तरफ ट्रू साउथ है, तो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ से पास होने वाला जो वर्टिकल प्लेन होगा, ये वाला प्लेन, इसे हम लोग ज्योग्राफिक मेरिडियन कहेंगे। इधर ट्रू नॉर्थ, इधर ट्रू साउथ, तो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ से पास होने वाला जो वर्टिकल प्लेन है, जैसे जो कॉपी है इस कॉपी से गुजरने वाला ये प्लेन क्या हो जाएगा, ज्योग्राफिक मेरिडियन हो जाएगा। ठीक है, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन हुआ। अब बात करते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन की। मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन की डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। कि मैं किसी मैग्नेट को लटका देता हूं, मैंने एक धागा लिया और धागे से मैंने एक मैग्नेट को लटका दिया, ऐसे ये मैग्नेट आके इस डायरेक्शन में रुक गया, तो जिस डायरेक्शन में इसका नॉर्थ पोल इंडिकेट करता है वो नॉर्थ मैग्नेटिक को रिप्रेजेंट करता है और जिधर साउथ इंडिकेट करता है वो साउथ मैग्नेटिक को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसकी मैग्नेट है, ये मैग्नेट को मैंने लटकाया है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का ये नॉर्थ और ये साउथ। इससे पास होने वाला, इसके एक्सिस से, मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाला जो वर्टिकल प्लेन होगा उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे। ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। और जो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ से पास होने वाला जो वर्टिकल प्लेन था वो ज्योग्राफिक मेरिडियन था। तो जैसे ये ज्योग्राफिक मेरिडियन था और ये मान लीजिए इस तरफ मैंने मैग्नेट को रखा, तो ये इसका नॉर्थ और ये साउथ, तो इससे पास होने वाला जो वर्टिकल प्लेन है, ये वाला प्लेन, ये क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन और ये ज्योग्राफिक मेरिडियन, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा ये वाला, ये एंगल जो है ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इस जगह पे ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है। किसी भी जगह पर ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनता है बच्चों, इसे हम लोग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। ठीक है, ये बात आप बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप अपनी लेबोरेटरी में हैं या आप अपने हॉस्टल के रूम में, आप अपने स्टडी रूम में, कहीं पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक सिंपल सा एक प्लेन सरफेस लीजिए, टेबल लीजिए, और हमारा टारगेट है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन निकालना, हम जहाँ पर हैं। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आप टेबल लेके उस टेबल के ऊपर एक वाइट शीट रख दीजिए,
ठीक है ना, एक वाइट शीट रख दीजिए, चारों तरफ से उसको क्लेम कर दीजिए जिससे वो हिले नहीं। और अब आप एक मैग्नेटिक निडल लीजिए, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए आपने ये जो शीट ली है, ये शीट, इस शीट पे जो मैंने आपको मेथड बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, सन शेडो मेथड, उसकी हेल्प से हम लोग उस पर्टिकुलर लोकेशन पर ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ की लोकेशन निकाल लेते हैं। मान लीजिए इस तरफ ट्रू नॉर्थ है और इस तरफ ट्रू साउथ, ठीक है ना। अब ऐसा करने के बाद में ये जो हमारी शीट थी, इस शीट पे आप एक कंपास निडल लीजिए और कंपास निडल को उसके ऊपर रख दीजिए। कंपास निडल अपने आप घूमकर नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ मैग्नेटिक की डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। ये अपने आप घूमकर इस डायरेक्शन में आ जाएगी जिस तरफ अर्थ का नॉर्थ मैग्नेटिक है और साउथ मैग्नेटिक है। तो मान लीजिए जो आपने निडल रखी वो निडल घूम के जो है इस तरफ आके रुक गई। तो इस निडल का नॉर्थ पोल जो होता है वो नॉर्थ मैग्नेटिक की तरफ इंडिकेट करता है और जो साउथ पोल होता है वो साउथ मैग्नेटिक की तरफ इंडिकेट करता है। तो ये जो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ जो आया था, इससे पास होने वाला जो वर्टिकल प्लेन है उसे तो हम लोग ज्योग्राफिक मेरिडियन कहते हैं, और जो नॉर्थ मैग्नेटिक और जो साउथ मैग्नेटिक से पास होने वाला जो वर्टिकल प्लेन है इसे हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। ये ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है इसे हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। मान लीजिए मैंने इसको किससे रिप्रेजेंट किया, थीटा से रिप्रेजेंट किया। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हो गया। अभी जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं हमारे इंडिया की बात करूं, और इंडिया में अगर मैं न्यू दिल्ली और मुंबई की बात करूं, तो इन दोनों के एंगल ऑफ डिक्लिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कितने कितने होते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यू दिल्ली की। अगर आप ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट बताया है, अगर आप न्यू दिल्ली में करेंगे और अगर ये ट्रू नॉर्थ है, तो आप लोग देखेंगे कि न्यू दिल्ली में जो मैग्नेटिक निडल है, जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल है, वो खुद को, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो ये खुद को ईस्ट, ये ईस्ट डायरेक्शन में थोड़ा सा इस तरफ जाकर रुकती है। और ये जो एंगल देखा जाता है, ये एंगल होता है 0° and 41 मिनट। बच्चों मिनट क्या होता है, जो एक डिग्री होता है ना, उस एक डिग्री का जो 60वां हिस्सा होता है, 1/60 part, उसे हम लोग 1 मिनट कहते हैं। तो ये कितना है, 41 मिनट है। मतलब ये एक डिग्री से भी बहुत कम है, मतलब लगभग एक डिग्री का 2/3 हो गया ये, है ना। एक डिग्री का मतलब 60 मिनट्स, और ये कितना है, 41 मिनट्स। तो लगभग ये एक डिग्री का, एक डिग्री बहुत छोटा होता है, ठीक है, उसका भी कितना है, ये 2/3 है, मतलब बहुत छोटा एंगल है। और ये किस तरफ मेजर किया गया है, इधर ईस्ट की तरफ मेजर किया गया है। जो ईस्ट की तरफ मेजर किया जाता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, उस एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को हम लोग पॉजिटिव एंगल ऑफ डिक्लिनेशन मानते हैं, जो टुवर्ड ईस्ट होता है। इस तरह से अगर आप मुंबई की बात करेंगे, और मुंबई में अगर आप देखेंगे, तो अगर ये ट्रू नॉर्थ है और यहाँ पर अगर आप मैग्नेटिक निडल रखते हैं, तो थोड़ा सा वेस्ट की तरफ मुड़ जाती है इस तरफ, और इसका जो एंगल होता है वो अप्रॉक्स 0° and 58 मिनट्स होता है। ये किधर है, टुवर्ड वेस्ट, इसको कहते हैं 0° 58 मिनट वेस्ट। ये था 0° 41 मिनट ईस्ट। ईस्ट वाला जो था वो पॉजिटिव मानते हैं, तो जो वेस्ट वाला जो एंगल होता है वो हम लोग नेगेटिव मानते हैं। ये भी बहुत कम है, मतलब आप इसको एक डिग्री मान लीजिए लगभग। तो उसका मतलब हुआ कि जो हमारा ज्योग्राफिक मेरेडियन है, जो हमारा मैग्नेटिक मेरेडियन है, मुंबई में हो चाहे दिल्ली में हो, मतलब इंडिया में किसी भी लोकेशन की अगर मैं बात करूं, तो लगभग एक डिग्री से कम ही इसकी वैल्यू आती है। तो हम ज्योग्राफिक मेरेडियन को और मैग्नेटिक मेरेडियन को लगभग सेम ही मान सकते हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे बहुत आसान होता है हमारे लिए मैग्नेटिक निडल से या कंपास निडल से डायरेक्शन निकालना। तो जो कंपास निडल जिस तरफ इंडिकेट कर रही है नॉर्थ को, लगभग नॉर्थ किधर होता है, उस तरफ ही होता है। एक और खास बात मैं आपको बताता हूं बच्चों, कि जितने भी जो हमारी अर्थ की अगर मैं बात करता हूं, तो हमारी अर्थ पे वो सारे प्लेसेस जो इक्वेटर के आसपास हैं, उन सब के लिए जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है वो मतलब बहुत कम होता है, वो विद इन 1 डिग्री के आसपास ही होता है। जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ जाते हैं, तब इसकी वैल्यू क्या होती है, थोड़ी सी इंक्रीज होती है। एक और फैक्ट मैं आपको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के बारे में बताता हूं। अर्थ पे वो सारे प्लेसेस, वो सारी जगह हैं
जिनके ऊपर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की वैल्यू सेम होती है, इक्वल एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है, उन सबको अगर मिलाने वाली एक लाइन बनाई जाए, वो सारे पॉइंट्स जहां जहां पे सेम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, जहां पे सेम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, अगर उनको मिलाने वाली एक लाइन बनाई जाए तो उस लाइन को हम आइसोगोनिक लाइन कहते हैं। उस लाइन को क्या कहते हैं? आइसोगोनिक लाइन कहते हैं। और अगर हम उन सभी प्लेसेस को मिलाने वाली एक लाइन बनाए जिन पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जीरो है, मतलब जहां पर मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में है, उनको मिलाने वाली लाइन को हम लोग एगोनिक लाइंस कहते हैं। ठीक है, तो आइसोगोनिक लाइन तो वो है जहां पे हर जगह पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन सेम है, और एगोनिक लाइन वो है जहां पर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन सेम तो है, साथ साथ वो जीरो डिग्री भी है। और अब हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ डिप की। एंगल ऑफ डिप जो है ये हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर कैलकुलेट किया जाता है, और उसको हम डिफाइन करते हैं कि इन मैग्नेटिक मेरिडियन द एंगल मेड बाय अ मैग्नेटिक नीडल, द एंगल मेड बाय अ डिप नीडल विद हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। हम किसी भी जगह पर हैं और उस जगह पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं ऐसे मान लेता हूं कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल था वो था हमारा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। लेकिन एक होता है एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप क्या होता है कि जो हमारी दो टाइप की निडल्स होती हैं, तो वो होती है कंपास निडल जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमती है, और एक होती है डिप निडल जो वर्टिकल प्लेन में घूमती है। तो पहले तो मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन पता कर लिया, और अगर मैं इस मैग्नेटिक मेरिडियन में इस वाली निडल को रख देता हूं जो वर्टिकल प्लेन के अंदर रोटेट होती है, तो जैसे जिसका मैं डायग्राम बनाता हूं, पहले भी मैंने आपको बता रखा है इसके बारे में कि ये जैसे वर्टिकल प्लेन में घूमने वाली निडल है, और इसको अगर हम यहां पे एक स्केल लगा दें, ये जीरो डिग्री का एंगल, ये इसका नॉर्थ पोल। अब ये जितने एंगल पे नीचे की तरफ झुकेगी वो एंगल ऑफ डिप होगा इसका, लेकिन कहां पे होना चाहिए? मैग्नेटिक मेरिडियन में। तो अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और मैग्नेटिक मेरिडियन में ये इसका जो नॉर्थ पोल है, ये जितने एंगल पे झुक जाएगा यहां से, वो एंगल ही क्या होगा? एंगल ऑफ डिप होगा। जैसे ये मैग्नेटिक मेरिडियन में इतने एंगल पे झुक गई, तो इसे हम लोग एंगल ऑफ डिप कहेंगे। एक्चुअली मैग्नेटिक नीडल जिस भी डायरेक्शन में झुक रही होती है, जो भी इसका डायरेक्शन होता है, वो उस पर्टिकुलर जगह पे, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इस तरफ मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन का नेट मैग्नेटिक फील्ड मान सकता हूं, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप के बारे में मैं आपको दो तीन बातें बताता हूं कि जैसे मैंने आपको बताया था अर्थ के बारे में, जब अर्थ की ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया था मैंने आपको कि जैसे ये हमारी अर्थ है, और अर्थ के अंदर जो मैग्नेट होता है उसका ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल इस तरह से होता है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये ज्योग्राफिक साउथ। तो यहां पे ये जो बाहर की तरफ निकल रही होती है, तो जितने एंगल पे यहां से निकल रही होती है वो होता है आपका एंगल ऑफ डिप। ये टर्मिनेटिंग फील्ड लाइंस हैं, तो जितने एंगल पे ये अंदर की तरफ जा रही हैं वो एंगल क्या है? एंगल ऑफ डिप है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप की अगर मैं बात करता हूं, तो ये जो मैग्नेटिक इक्वेटर है, इस मैग्नेटिक इक्वेटर पर ये जो निडल होती है बिल्कुल इसके पैरेलल होती है प्लेन के, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर एंगल ऑफ डिप कितना है? जीरो डिग्री। एंगल ऑफ डिप कितना है? जीरो डिग्री। और ये जो पोल्स है जहां से बाहर निकल रही होती है, वहां पे मैं इसका एंगल ले सकता हूं 90 डिग्री। ये एंगल लिया जा सकता है 90 डिग्री, एग्जैक्टली यहां पर अगर ये इस तरह सेंटर कर रही हो, और यहां पर अगर इसका एक्सिट हो रहा हो। तो एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं मैं आपको एंगल ऑफ डिप के बारे में, अर्थ के वो सारे प्लेसेस जहां पर एंगल ऑफ डिप सेम होता है, उन सभी प्लेसेस को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे हम लोग आइसोक्लिनिक लाइन कहते हैं। और वो सारे प्लेसेस जिन पे एंगल ऑफ डिप होता, एंगल ऑफ डिप की वैल्यू जीरो डिग्री होती है, उन प्लेसेस को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे हम लोग एक्लिनिक लाइन कहते हैं। तो जो हमारी मैग्नेटिक इक्वेटर है वो क्या हुई? एक्लिनिक लाइन, क्योंकि मैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर एंगल ऑफ डिप कितना होता है? जीरो डिग्री होता है। जो हमारा तीसरा एलिमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैंने आपको बताया कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन में ये नीडल जो है डेल एंगल पे झुकी हुई है, ये एंगल ऑफ डिप है,
ये नेट मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए नेट मैग्नेटिक फील्ड BE है, तो इस मैग्नेटिक मेरिडियन में इस BE के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसकी वैल्यू होगी BE cos del, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसकी वैल्यू होगी BE sin del, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जैसे मैंने आपको बताया BE cos del है और वर्टिकल कंपोनेंट BE sin del है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में 2 को डिवाइड कर देता हूं तो इक्वेशन नंबर 1 है मेरी BE vertical is equals to BE sin del, BE vertical is equals to BE earth sin del, और इक्वेशन नंबर 2 है BE horizontal is equals to BE earth cos del। दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूं, ये कैंसिल हो गया, ये बन गया आपका tan del, tan del की वैल्यू आई BE vertical upon BE horizontal। इस तरह से मेरे पास एंगल ऑफ डिप की वैल्यू आ गई tan inverse BE vertical upon BE horizontal, ठीक है ना। अगर आपको कभी वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा हो और एंगल ऑफ डिप पूछा जाए तो हम ये फॉर्मूला लगा के एंगल ऑफ डिप निकाल सकते हैं। और अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर कर दूं और इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर कर दूं, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूं, तो देखो क्या होगा। अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूं तो बी वर्टिकल का स्क्वायर, इसमें बी हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर ऐड कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड के स्क्वायर की, अब मैं राइट हैंड साइड के स्क्वायर कर रहा हूं, बी अर्थ स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल प्लस बी अर्थ स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल, यहां से बी अर्थ स्क्वायर को मैंने कॉमन निकाल लिया, ये साइन स्क्वायर डेल प्लस कॉस स्क्वायर डेल जो हम लोग जानते हैं इसकी वैल्यू 1 होती है, तो बी अर्थ का स्क्वायर, तो बी अर्थ की जो वैल्यू आ गई वो आ गई रूट बी वर्टिकल कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस बी हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर, ये सारे फॉर्मूले अपन को ध्यान में रखने हैं। और एक खास बात जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में मैं आपको बताता हूं कि अर्थ के वो सारे प्लेसेस जिन पे BH की वैल्यू सेम है, उन सभी प्लेसेस को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग आइसोडायनेमिक लाइन कहते हैं। वो लाइन क्या कहलाती है? आइसोडायनेमिक लाइन। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में ये बात आप लोग बहुत बढ़िया से जानते होंगे कि अगर ये हमारी अर्थ है, है ना, तो अर्थ है तो ये यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकली थी और यहां पर इन्होंने एंटर किया था, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का इस तरफ होता है, कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां पर प्रेजेंट नहीं होता है और यहां पर भी कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा, तो बी एच की वैल्यू 0 होती है नॉर्थ मैग्नेटिक और साउथ मैग्नेटिक पर। और जो मैग्नेटिक इक्वेटर होता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ बी एच होता है, यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है? 0। यहां पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। इसी तरीके से इस तरफ भी वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, तो जो मैग्नेटिक इक्वेटर होता है उस मैग्नेटिक इक्वेटर पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है और जो पोल्स होते हैं मैग्नेटिक पोल्स वहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होता है। ये सारी बातें एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म की आप बहुत बढ़िया से देखिए, इस वीडियो को बार बार देखना आप जिससे कि ये क्लियर हो पाए, और हम इस पर बेस्ड अभी कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे कि आपको अर्थ मैग्नेटिज्म और बढ़िया से समझ में आ पाए। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है अजम्पशन करने की, कल्पना करने की, ठीक है। तो एक बार में नहीं हो पाता है कई बार, तो आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो निश्चित रूप से आई थिंक आप काफ़ी कुछ हद तक समझ पाएंगे और फिर एग्जाम्पल्स होने के बाद में ये थोड़ा और ज़्यादा आपको समझ में आ पाएगा।